पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। पायलट ने कहा कि बीजेपी किस बात के लिए, किस काम के लिए आशीर्वाद मांग रही है। अलवर जाते हुए रास्ते में दौसा में कई जगह उनका स्वागत किया गया। भाजपा के नेता देश भर में निकाल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा। किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? वो 100-105 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया, 900 रुपए गैस का सिलेंडर हो गया, कोरोना से लाखों की मौत हो गई, वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रही थी, पहले ऑक्सीजन की किल्लत आ गई थी, नौकरियां अब खत्म हो रही हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, और फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोगों को भ्रमित कर और ध्रुवीकरण कर राजनीति बीजेपी कर रही है। मैं समझता हूँ देश के सामने अब वो बेनकाब हो चुके हैं। लगातार जो बड़ी बड़ी हमारी ऐसे धरोहर थी 70 साल से, जिनको सींचा था कांग्रेस पार्टी ने, लगातार ये केंद्र की सरकार उनकी नीलामी कर रही है, निजी हाथों में उन संपत्ति को दे रही है, चाहे पोर्ट्स हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे हवाई अड्डे हों, जो बड़ी संस्था थी, जो इस भारत के नागरिक की एक संपत्ति है, उसको लगातार जान पहचान के लोगों को केंद्र सरकार कौड़े के दाम में देना चाह रही है।